स्टूडेंट्स, फिजिक्स कक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर क्लास 8 चैप्टर 19 डियर डैडी लॉन्ग लेग्स। ठीक है, ये क्या है आपका एक बुक से रिलेटेड क्या है बुक लिखा था जिम्स वेबस्टर ने। ओके, तो उसका क्या है एक्सट्रैक्टेड इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्टेड लेटर है वो, मतलब कि जो बुक है डियर डैडी लॉन्ग लेग्स से उसे निकाल के यहाँ पर हम पढ़ेंगे। बेसिकली ये किसके बारे में है, एक ऑर्फेन है ना, ऑर्फेन मतलब क्या होता है अनाथ के बारे में है। ठीक है, एक अनाथ लड़की के बारे में है जो अनाथालय में रहती है, तो उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, उनको उसे न्यू क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस अनुभव करने को मिलता है, कॉलेज जाने को मिलता है। ठीक है, सोशल लाइफ उसकी अलग हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि जब उनके पास आते हैं एक बेनिफैक्टर, ठीक है, बेनिफैक्टर मतलब होता है दान देने वाला, वो दान देते रहते हैं जिसके वजह से जो लाइफ है ऑर्फन की वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, बस उनकी एक ये शर्त रहती है कि उन्हें पता नहीं चलेगा, जो लड़की है जो ऑर्फनेज है उसे पता नहीं चलेगा कि कौन उसे बेनिफैक्टर मतलब कि कौन उसे दान दे रहा है। ठीक है, लेकिन वो क्या करती है रेगुलरली उसे उन्हें क्या करती है लेटर राइट करती रहती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया डियर डैडी लॉन्ग लेग्स। ओके, तो चलिए ये जो लेटर है ना उसे हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, हु डू यू थिंक इज डैडी लॉन्ग लेग्स। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर में डैडी लॉन्ग लेग्स क्या है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये बेनिफैक्टर है जो क्या कर रहा है, जो ऑर्फनेज है उसे क्या कर रहा है आपका दान दे रहा है। ठीक है, वही क्या है आपके डैडी लॉन्ग लेग्स हैं, डैडी यानी पापा, लॉन्ग यानी कि लंबा, लेग्स यानी कि पैर। ठीक है, ऐसे सो इमेजिन एंड ड्रॉ पिक्चर ऑफ डैडी लॉन्ग लेग्स। तो आपको बोला है कि कल्पना कीजिए और क्या किए एक पिक्चर बना दीजिए डैडी लॉन्ग लेग्स का। ठीक है, तो चलिए वो लेटर क्या है हम देखते हैं। तो है डियर डी एल एल, डियर प्रिय डैडी लॉन्ग लेग्स। ठीक है, कब की बात है ये, 11 फरवरी की बात है। तो क्या लेटर लिखा है इसमें, डोंट बी इंसल्टेड बिकॉज दिस इज़ सो शॉर्ट। ठीक है, तो वो बोली जा रही हैं आप अपमानित अपने आप को महसूस मत कीजिएगा, इंसल्ट यानी कि अपमान है ना, क्यों, क्योंकि ये जो मैं लेटर लिख रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। इट इज़न्ट अ लेटर, इट इज़ जस्ट अ लाइन टू से दैट आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर प्रीटी सून। ठीक है, तो ये एक्चुअली में लेटर नहीं है, ये खत नहीं है, ये एक्चुअली में मैंने एक लाइन लिखा जिसमें आपको पता चलेगा कि मैं फिर से बहुत ही जल्द क्या करने वाली हूँ, आपको एक लेटर लिखने वाली हूँ। ठीक है, वैन एग्जामिनेशंस आर ओवर। ठीक है, मैं कब आपको लेटर लिखूंगी, कब आपको एक खत लिखूंगी, जब मेरे जो एग्ज़ाम्स है ना, मेरे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तब मैं आपको एक लेटर एक खत लिखूंगी। इट इज़ नॉट ओनली नेसेसरी दैट आई पास बट पास वेल। ठीक है, तो ये बोल रही है कि जो मेरे एग्ज़ाम्स हैं मुझे सिर्फ वहाँ पर पास नहीं होना है, पर अच्छे तरीके से पढ़ के मुझे अच्छे नंबर से पास होना है। I have a scholarship to live up to। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, छात्रवृत्ति चाहिए जिसमें मैं अपना क्या कर सकूँ, जो भी पढ़ाई वगैरह है वो खर्च उठा सकूँ। ठीक है, yours वो अपना बोलती है आपकी स्टडिंग हार्ट। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रही हूँ, JA। ठीक है, अपना क्या किया, शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है JA। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेटर समझ में आ गया होगा। इसमें सिंपल सा उन्होंने बोला है कि ये लेटर बहुत छोटा है, तो आप अपमानित फील ना करें। ठीक है, मैं जल्दी ही, जैसे ही मेरे एग्जामिनेशन ओवर होंगे, मैं आपको एक क्या करूँगी, खत लिखूँगी। ठीक है, मुझे मेरे एग्जामिनेशन में सिर्फ पास नहीं होना है, बल्कि मुझे बहुत अच्छे से पास होना है, क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए। इतना बोल के वो लेटर को क्लोज कर देती हैं। ठीक है, तो चलिए सेकंड लेटर देखते हैं कि सेकंड लेटर में आखिर वो क्या बोलना चाह रही हैं। ठीक है, तो सेकंड लेटर में फिर से लिखते हैं डियर डैडी एलएल, है ना, डियर डैडी लॉन्ग लेग्स। कब की बात है, अब वो दिसंबर 19th है ना, वो जनवरी में था, आपका क्या है दिसंबर 19th हो गया है। यू नेवर आंसर्ड माई क्वेश्चन एंड इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो बोल रही है, वो खत में पूछ रही है कि आप कभी भी, मैं जो क्वेश्चन प्रश्न आपसे पूछती हूँ उसका आंसर आप मुझे नहीं देते हैं, जबकि वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और वो क्वेश्चन क्या है, आर यू बॉल्ड। ठीक है, बॉल्ड मतलब होता है कि क्या आप गंजे हैं, है ना, ये पूछना चाह रही है डैडी डियर लॉन्ग से, सॉरी डियर डैडी लॉन्ग से। आई हैव इट प्लान एग्जैक्टली वॉट यू लुक लाइक, ठीक है, वेरी सेटिस्फैक्टरली अंटिल आई रीच द टॉप ऑफ योर हेड। तो बोलती है कि मैंने तो आपको कभी देखा नहीं है, है ना, क्योंकि सर तो यही है कि वो उन्हें कभी भी देख नहीं पाएंगी, जान नहीं पाएंगी, तो वो हमेशा उनसे क्वेश्चन करती रहती हैं, क्या आप
क्या बोलते हैं गंजे हैं, हैं कि नहीं है, पर आप वो कभी भी आंसर नहीं करते। मैं हमेशा आपका क्या करती हूँ, एक इमेजिन करती हूँ, कल्पना करती हूँ कि आप ऐसे होंगे, है ना। आई हैव इट प्लान एग्जैक्टली, मैंने प्लान किया था, मैंने सोचा था वॉट यू लुक लाइक, है ना, कि आप कैसे दिखते हैं वेरी सेटिस्फाइंगली, और वो बहुत ही क्या संतोष पर पूर्ण है कि आप कैसे दिखते हैं, पूरा मैंने पिक्चर बना लिया। लेकिन मैं कहाँ बस रुक जाती हूँ, ठीक है, अनटिल आई रीच द टॉप ऑफ योर हेड एंड देन आई एम स्टक। जैसे ही मैं आपके सिर में जाती हूँ, फिर वहाँ पर मैं क्या हो जाती हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं वहाँ पर क्या हो जाती हूँ, रुक जाती हूँ, है ना। अनटिल आई रीच द टॉप ऑफ योर हेड, जैसे ही मैं आपके सिर में पहुँचती हूँ, मैं वहाँ पर क्या हो जाती हूँ, कंफ्यूज, टॉप ऑफ योर हेड एंड देन आई एम स्टक। फिर मैं वहाँ पर क्या हो जाती हूँ, फंस जाती हूँ, कि क्या क्यों फंस जाती हैं। आई कॉन्ट डिसाइड वेदर यू हैव वाइट हेयर और ब्लैक हेयर। वो सोचती हैं, वो एक्चुअली में डिसाइड ही नहीं कर पाती, सोच ही नहीं पाती कि आपके में जो हेयर है वो ग्रे कलर का हेयर है या ब्लैक कलर का हेयर है, और शॉर्ट ऑफ स्प्रिंगली ग्रे हेयर और मे बी नॉन एट ऑल, या फिर आपका क्या होगा, स्प्रिंगली, स्प्रिंगली यानी जिस स्प्रिंग देखते हैं ना, घुंघरालू, घुंघरालू ग्रे कलर के बाल हैं, या फिर आपके सिर में बाल हैं ही नहीं। हेयर इज़ अ पोर्ट्रेट, ठीक है। फिर वो क्या करती है, जो पिक्चर बनाई रहती है, पोर्ट्रेट मीन्स होता है पिक्चर, तो वो पिक्चर उनको दिखाती है कि देखिए मैंने ऐसा आपका पोर्ट्रेट बनाया हुआ है। बट द प्रॉब्लम इज सॉल आई एड सम हेयर, पर प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है, क्या मुझे आपके हेयर ऐड करने चाहिए, आपके बाल बनाने चाहिए। वुड यू लाइक टू नो वॉट कलर योर आइज आर, क्या आप जानना चाहेंगे कि एक्चुअली मैं, मुझे क्या लगता है कि आपके जो आइज़ के कलर्स हैं, जो आँखों के कलर हैं, वो कैसे हैं। दे आर ग्रे एंड योर आईब्रोज आर लाइक अ पोर्च रूफ एंड योर माउथ इज़ अ स्ट्रेट लाइन विद अ टेंडेंसी टू टर्न डाउन एट द कॉर्नर्स, ठीक है। तो वो तो पूछती है, वो तो कंफ्यूज है ही कि आपके में बाल हैं कि नहीं है, हैं तो कौन से हैं। फिर वो पूछती भी है, क्या आप जानना चाहेंगे कि आपका जो आइस कलर है वो कैसा है। तो वो बताती भी है कि आपका क्या है, ग्रे कलर का है, ठीक है, आपके जो आइज़ हैं वो ग्रे हैं, और आपके जो आईब्रोज हैं, जो भाव हैं, वो कैसे हैं आपके, लाइक अ पोर्च रूफ। पोर्च यानी होता है बरामदा, और बरामदा रूफ यानी कि छत जैसे रहता है ना, वैसे ही आपका क्या है, आईब्रोज है। और जो आपका माउथ है ना, आपका जो मुंह है वो क्या, एक स्ट्रेट लाइन है जिनके में टेंडेंसी है, टेंडेंसी है कि वो क्या कर सके, जो कॉर्नर से उसमें क्या कर सके, टर्न डाउन कर सके, झुक सके, ठीक है। ऐसे आपका मैंने क्या किया है, माउथ इमेजिन किया है। ओ यू सी आई नो यू आर ए स्नैपी ओल्ड थिंग विद अ टेम्पर, देखा अपने कि मुझे पता है कि आप कैसे स्नैपी हैं। स्नैपी मतलब होता है तेज हैं, तेज हैं, है ना, बूढ़े तेज हैं, विद अ टेम्पर, आप में गुस्सा भी बहुत आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो इमेजिन कर रही है, वो पूछ रही है, क्या पूछ रही है, कि आप टकले हो कि नहीं हो, आपके बाल कैसे हैं, आपके कलर कैसे हैं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, आपकी आइज ग्रे हैं, ठीक है, आप कैसे हैं, आपके जो आईब्रो हैं वो कैसे हैं, बरामदा के छत जैसे हैं, आपका एक स्ट्रेट लाइन है जो कॉर्नर में क्या होता है, बैंड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें सुन के उनको लग, शायद लड़की को लगता है कि आप क्या बोलते हैं, गुस्सा आ रहा है, तो इसलिए बोलता है, ओ यू सी, देखा आपने, आई नो यू आर ए स्नैपी ओल्ड थिंग, मुझे पता ही है कि आप क्या हैं, तेज छोटे बूढ़े हैं, सॉरी, आप बूढ़े हैं जो क्या रहते हैं, विद टेम्पर, जिन्हें गुस्सा बहुत ही ज़्यादा आता है। फिर यहाँ पर वो अपना नाम बताती हैं, क्या, जेरुसा एबॉट, ठीक है। तो ये कौन लेटर लिख रहा है, जेरुसा एबॉट, जो क्या है, एक ऑर्फन है, अनाथ है, ठीक है। वो अपने बेनिफैक्टर को क्या कर रही है, लिख रही है, क्योंकि उन्हें नाम नहीं पता, इसलिए वो क्या बोलती है, डियर डैडी लॉन्ग लेग्स, ओके। तो चलिए नेक्स्ट लेटर देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेटर में फिर से वो लिखती हैं, डियर डैडी लॉन्ग लेग्स, अब उन्होंने लिखा है क्या, आपका 9 जून में लिखा है। अब ये लेटर में वो क्या बोल रही है, हैप्पी डे, ठीक है, खुशी वाला दिन है। आई हैव जस्ट फिनिश माई लास्ट एग्जामिनेशन फिजियोलॉजी, तो वो बोलती है कि मैंने जो मेरा आखिरी जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। और वो क्या पढ़ रही है, फिजियोलॉजी पढ़ रही है, जैसे साइंस होता है, मैथ्स होता है, वैसे ही क्या हो रहा है यहाँ पर, सॉरी, साइंस है आपका, कॉमर्स है, वैसे ही क्या है, फिजियोलॉजी एक एग्ज़ाम है जो उन्होंने क्या किया है, कंप्लीट किया है। एंड नाउ 3 मंथ्स ऑन अ फार्म, ठीक है, अब तो मैंने क्या कर लिया है, फिजियोलॉजी मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, अब मैं क्या करने वाली हूँ, 3 महीने के लिए मैं फार्म, है ना, खेत में रहने वाली हूँ। I don't know what kind of a thing a farm is. तो मुझे नहीं पता कि actually में क्या होता है farm, है ना, actually farm क्या होता है, क्योंकि वो तो हमेशा orphanage में रही है। I never been on one in my life.
ठीक है, मुझे 3 महीने फार्म में रहना है, पर मुझे नहीं पता वो किस तरीके का फार्म है, क्योंकि मैंने तो कभी भी क्या बोलते हैं अपने लाइफ में अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं है। आई हैव नेवर लुक्ड एट वन एक्सेप्ट फ्रॉम द कार विंडो। ठीक है, मैंने कभी भी देखा भी नहीं है, जस्ट देखा भी है तो कब देखा है, जब मैं कार में जाती रहती हूँ तो खिड़की के बाहर से मैंने सिर्फ एक फार्म देखा है, उससे ज़्यादा मैंने कभी भी नहीं देखा है। बट आई नो आई एम गोइंग टू लव इट। ठीक है, मैंने नहीं देखा है, दूर से देखा है, एक बार ही देखा है, पर मुझे पता है कि मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने वाली हूँ। एंड आई एम गोइंग टू लव बींग फ्री, और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगेगा कि मैं क्या होने वाली हूँ, फ्री होने वाली हूँ। ठीक है, किसी बंधन में नहीं रहूँगी, मैं क्या रहूँगी, फ्री रहूँगी, आज़ाद रहूँगी। आई एम नॉट यूज्ड टू बींग आउटसाइड द जॉन ग्रिग होम। ठीक है, वो बोल रही है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं रही हूँ, वो हमेशा किसके अंदर रही है, जॉन ग्रीग होम, ये ऑर्फनेज है, अनाथालय है, उसी के अंदर वो क्या करती है, पढ़ाई करती है, घूमना खाना फिरना जो भी है वो ही है। तो वो बोल रही है कि मैं कभी भी उस होम से बाहर गई ही नहीं हूँ, यूज टू ही नहीं हूँ, वेन एवर आई थिंक ऑफ इट। ठीक है, तो मैं कभी भी सोचती हूँ कि अब मुझे बाहर जाने का मौका मिलेगा, आई ऑफ इट एक्साइटेड लिटिल थ्री चेज अप एंड डाउन माई बैक। कभी भी सोचती हूँ वह मुझे बाहर जाने का मौका मिलेगा, जो रोमांच है वो क्या होता है, मेरे पूरे शरीर पर फॉलो कर लेता वापस से। ठीक है, आई फील एज आई थो मस्ट रन फास्टर एंड कीप लुकिंग आफ्टर माई शोल्डर। ठीक है, तो वो बोलती है कि जब भी मैं ये सोचती हूँ तो मुझे यही लगता है कि मुझे दौड़ना है, बहुत तेज़ी से दौड़ना है, और अपने जो शोल्डर है उसे मुझे क्या करना है, देखते जाना है, टू मेक श्योर दैट मिसेस लिपेट इज़ नॉट आफ्टर मी। ठीक है, और मैं शोल्डर देख के और रन करते जाऊँ, तेजी तेजी से रन करते जाऊँ, अपने शोल्डर को देखते जाऊँ, ये देखने के लिए, ये जानने के लिए, जो मिसेस लिपेट है ना, वो क्या है, एक लेडी है जो क्या करती है, जॉन ग्रिग होम में रहती है, जो उन ऑर्फनेज हैं, जो ऑर्फन बच्चे हैं उनका देखभाल करती है। तो वो वही बोलना चाह रही है कि जो मिसेज लिपेट है वो मेरे पीछे तो नहीं है, विथ हर आर्म्स स्ट्रेच आउट टू ग्रैब मी बैक, ताकि वो फिर से मुझे क्या हो, मैं भागती रहूँ तो मुझे खींच के, जैसे ही मतलब अब ऑर्फनेज में आप हैं तो उससे बाहर आपको जाने की परमिशन नहीं मिलती है, तो अगर वो दौड़ रही है तो उसे ऐसा लग रहा है कि वो उस घर से भाग रही हैं, और फिर वो भाग रही हैं तो क्या करेंगी मिसेज लिम्पट, क्या करेंगी, अपने हाथ को फैला के उसे वापस क्या करेंगी, होम में ले जाएंगी। इसलिए वो सोचती है कि मुझे भागना है, भागना, और ऐसे भागना है कि जो मिसेज लिम्पट है वो अपने क्या बोलते हैं हाथ को फैला के मुझे वापस से उस होम में ना ले पाए। ठीक है, फिर यहाँ पर बोलती है योर्स, आपकी, विथ लव, प्यार से, जेरुसा अबॉट। ठीक है, फिर वो अपना लेटर ख़त्म कर देती है। तो आई होप कि आपको ये तीनों लेटर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है, जिसे लिखा है किसने, जीन वेबस्टर ने। ओके, तो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू।